नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। दक्षिण एशिया की धमक अब दूसरे महाद्वीपों में सुनाई पड़ती और अपनी काबिलियत के बल पर एशियाई देशों की महिलाएं दुनिया भर में जलवा बिखेर रही, अपने काम के बल पर अपनी ताकत का एहसास करा रही। तो आज हम अपनी स्टोरी में दक्षिण एशिया की उन 5 ताकतवर महिलाओं के बारे में बताएंगे जिनकी बात दुनिया बड़ी शिद्दत के साथ सुनती, और ये महिलाएं अपनी ताकत, बुद्धि, मेहनत और लीडरशिप से सबको हैरान कर रही। नाम जेसिका टेर, नेशनैलिटी चाइनीज, को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पिंग ऑन ग्रुप चाइना। पिंगन इंश्योरेंस कंपनी है जिसे पिंगन ऑफ चाइना पिनियन जिंगुगु पिंज एएन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक लिमिटेड चीनी होल्डिंग समूह जिसका काम मुख्य रूप से बीमा बैंकिंग से और लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी की स्थापना 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय शेंजन में। फोर्ब्स के ग्लोबल 2000 सूची में पिंगन 7वें स्थान पर थी और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 29वें स्थान पर रही। कंपनी को चीन का सबसे बड़ा बीमाकर्ता कंपनी माना जाता है। इसका बाजार पूंजीकरण जुलाई 2019 में $220 बिलियन आंका गया था और जेसिका टेन उसी कंपनी की कर्ता धरता। अब दक्षिण एशिया में जिस महिला ने 2 नंबर पर कब्जा किया उसका नाम है हो चे। नाम हो चे, नेशनैलिटी सिंगापुर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ टेमसेक। टेमसेक होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर की एक होल्डिंग कंपनी जिसका स्वामित्व सिंगापुर सरकार के पास है। 25 जून 1974 को एक वाणिज्यिक निवेश कंपनी के रूप में इसकी स्थापना। इसके पोर्टफोलियो में वित्तीय सेवाओं, दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी, परिवहन और औद्योगिक, जीवन विज्ञान और कृषि व्यवसाय, उपभोक्ता और अचल संपत्ति, ऊर्जा और संसाधन, साथ ही साथ बहु सेक्टर फंड समेत क्षेत्रों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल। इसी सरकारी कंपनी की सीईओ हैं हो चे। अब जिस महिला का नाम तीसरे नंबर पर आता है वो है शेख हसीना। ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और इनकी अगुवाई में बांग्लादेश दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नाम शेख हसीना, प्रधानमंत्री बांग्लादेश, उम्र 72 साल। शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। वे बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी अवामी लीग की नेता है और बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में 9वीं बार जीत कराई। इनके नेतृत्व में बांग्लादेश काफी तेजी के साथ विकास कर रहा है और दक्षिण एशिया में एक लीडर की तरह इनको देखा जाता है। अब चौथे नंबर पर जो है उनका नाम है निर्मला सीतारमण। नाम निर्मला सीतारमण, नेशनैलिटी इंडियन, वित्त मंत्री भारत, उम्र 60 साल। निर्मला सीतारमण बीजेपी से सांसद हैं और नरेंद्र मोदी सरकार में कई पदों पर काम कर चुके हैं। इससे पहले मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रक्षा मंत्री थी। उसके बाद दूसरे कार्यकाल में अरुण जेटली के निधन के बाद उन्हें पूर्णकालिक के लिए भारत का वित्त मंत्री बनाया गया। ये भी अपनी मेहनत के बल पर यहाँ पहुंची है और इनकी भी बात दक्षिण एशिया में सुनी जाती। अब हम जिस महिला के बारे में बता रहे हैं उनका नाम साई इंग वेन। नाम साई इंग वेन, देश ताइवान। साई इंग वेन ताइवान की राष्ट्रपति है। साई अपनी मेहनत के बल पर ताइवान की राष्ट्रपति बने और इस वक्त चीन जैसे शक्तिशाली देश को चैलेंज कर रहे और मुसीबत झेलते हुए अपने देश के लोगों का भरोसा हासिल किया। साई दूसरी बार ताइवान की राष्ट्रपति बने। तो आप समझ सकते हैं कि ये 5 महिलाएं कैसे अपनी मेहनत के बल पर इस तरह के पोजीशन पर पहुंची जहां से अब वो अपनी बात दुनिया तक पहुंचा रही हैं।